नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न पहला हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, आकृति 6.17 प्रथम में और द्वितीय में DEBC के पैरेलल है। देखिए यहाँ पर ये DEBC के समांतर है और यहाँ यह DEBC के समांतर है। प्रथम भाग में EC ज्ञात कीजिए और दूसरे भाग में एडी ज्ञात कीजिए। इसका हम अभी प्रथम भाग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, डीई समांतर है बीसी के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, यानी कि बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, यदि डीईबीसी के समांतर है तो एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के। यही हमने बीपीटी के प्रमेय में पढ़ा था। तो इसमें हम सारी वैल्यूज डाल देंगे। देखिए एडी कितना है, 1.5 सेंटीमीटर बटा डीबी है 3 सेंटीमीटर बराबर एई है 1 सेंटीमीटर बटा ईसी हमें ज्ञात करना है। तो इसमें से हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.5 सेंटीमीटर गुना ईसी बराबर 1 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। तो यहां से ईसी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर यहां इसके साथ गुना हो रहा है, बराबर से उधर जाएगा तो यह इससे भाग हो जाएगा। अब इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो इसके साथ ऊपर लग जाएगा 10, 3 से 15 कट जाएगा, 5 से 15 और 5 से 10 कट जाएगा 2, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो ईसी मिल गया 1 सेंटीमीटर गुना 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ क्या है, हमें ईसी निकालना था प्रथम भाग में और वह ईसी आ गया है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस प्रकार से हमने बच्चों इसका प्रथम भाग कर दिया है। इस प्रश्नावली के बाकी भागों को, बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।